आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी। आज एक बार फिर साइकिल को लेकर सभी पे टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती होती है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता की टीमें यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी नई जर्सी पर वर्क कर रही है। आईपीएल 2024 के एडिशन में एक नई जर्सी और नए टेक्सचर के साथ और नई डिजाइन के साथ ये टीम यहाँ पर उतरेगी। नई जर्सी का और नए डिजाइन वाली जर्सी का ये टीम प्रयोग करेगी, तो इस वजह से अपनी नई जर्सी पर करेंटली यहाँ पर ये फ्रेंचाइजी वर्क कर रही है। और अब यहाँ पर फरवरी में हमें शायद टीमों के यहाँ पर जर्सी भी बात हुई थी कि फरवरी में आईपीएल का शेड्यूल आएगा। आईपीएल के शेड्यूल के साथ अब इनकी यहाँ पर ऑफिशियल जर्सीज भी लॉन्च होगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले इनकी जर्सी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले। वैसे आप कमेंट करके बताएं आप कौन सी टीम की आखिर जर्सी के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है यहाँ पर जाडेजा और केएल राहुल की तरफ से। दरअसल अपनी इंजरीज के चलते हुए जाडेजा और केएल राहुल अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर 2 फरवरी से जो यहाँ पर दूसरा टेस्ट मुकाबला यहाँ पर शुरू होगा उस टेस्ट मुकाबले से बाहर हो चुके। पहले यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में यहाँ पर केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन था। जाडेजा ने भी गेंदबाजी अच्छी खासी करी थी, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ ये नहीं खेल पाएंगे। इनकी जगह सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिली है। तो ये 3 खिलाड़ी इन 2 खिलाड़ियों के बदला है सरफराज खान का यहाँ पर अब भारतीय टीम में यहाँ पर इनका डेब्यू होना ऑलमोस्ट हैज ऑफ नाउ तो कंफर्म्ड लग रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप सरफराज खान को आखिर भारतीय टीम में डेब्यू करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता की तरफ से यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस टीम के यहाँ पर विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2024 के एडिशन में ओपनर के तौर पर खेलेंगे। ना सिर्फ ओपनर के तौर पर बल्कि एज एन ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे, गेंदबाजी भी ये करते हुए देखेंगे। यहाँ पर अपनी गेंदबाजी ये पूरी तरीके से यहाँ पर रिकवर कर चुके। जावर पहले इनको इंजरी थी, बैक इंजरी की वजह से ये गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। करंटली डोमेस्टिक में ये गेंदबाजी कर रहे और आईपीएल में ये ओपन करेंगे ये कोलकाता ने कंफर्म्ड कर दिया और गेंदबाजी भी ये करते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर कोलकाता के लिए यहाँ पर वेंकटेश अय्यर की बॉलिंग अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा विकल्प इस टीम के पास आ चुका। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहाँ पर कोलकाता की टीम इस साल आखिर जिस प्रकार से 2021 के आईपीएल में वेंकटेश अय्यर की बदौलत ये टीम फाइनल तक गई थी वैसा प्रदर्शन कर सकती या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम यहाँ पर शामार जोसफ से करंटली कॉन्टेक्ट में। शामार जोसफ जिन्होंने यहाँ पर रिसेंटली पीएसएल में अनसोल्ड जाने के बाद भी यहाँ पर कल पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पीएसएल में यहाँ पर एंटर हो चुके। अब यहाँ पर जल्द ही ये पीएसएल खेलते हुए देखेंगे और आईपीएल की टीम भी इनके साथ बातचीत करी, स्पेशली आरसीबी की टीम टॉम करन की जगह इनके साथ बातचीत करी है। तो पीएसएल के बाद अब आईपीएल का भी मोस्ट लाइकली शामार जोसफ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला। रिसेंटली इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबकी नजरों में आ चुके और 150 की स्पीड से लगातार गेंदबाजी करते। तो आरसीबी के लिए यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ये इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपको आरसीबी का ये सही फैसला लग रहा है या फिर नहीं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर शेमार जोसफ यहाँ पर आरसीबी में आती है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम वहां पर करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है चेन्नई के दीपक चाहर की तरफ से। दरअसल दीपक चाहर ने चेन्नई कप्तान एमएस धोनी को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बताया कि एमएस धोनी अभी करंटली इतने फिट है कि वो 2-3 साल और यहाँ पर चेन्नई के लिए खेल सकते। उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी 45 के एज तक चेन्नई के लिए खेल सकते, अगले साल मेगा ऑक्शन होगा। तो इन्होंने कहा है कि धोनी मेगा ऑक्शन में अपने आप को रिटेन करेंगे और चेन्नई को नया कप्तान देकर फिर रिटायरमेंट वो लेंगे। चेन्नई के लिए 2 और साल कम से कम वो खेलेंगे। तो यहाँ पर दीपक चाहर तो ये बता रहे कि एमएस धोनी 2 या फिर 3 साल और कंटिन्यू रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आप दीपक चाहर की बात से आखिर एग्री करते हो या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग सच में एमएस धोनी 2-3 साल और आखिर आईपीएल में खेलेंगे या फिर नहीं। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है पंजाब किंग्स की तरफ से। दरअसल पंजाब ने अपना प्रैक्टिस कैंप लगा दिया और शिखर धवन भी अब उस प्रैक्टिस कैंप का भाग बन चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे जहाँ पर धवन ने आईपीएल के लिए नया बल्ला भी यहाँ पर अपना तैयार करवा लिया। आईपीएल के लिए धवन ने 10 नए बल्ले यहाँ पर तैयार करवाए। आप अपनी स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोज देख पा रहे। तो कुल मिलाकर पंजाब अब यहाँ पर कमर कस चुकी है। जो यहाँ पर लगभग पिछले 7-8 सालों से ये
की टीम प्लेऑफ में नहीं गई। इस साल सबसे पहले इस टीम ने तैयारियां शुरू करी। कप्तान शिखर धवन भी काफी जोरों शोरों से तैयारियों में अब लग चुके हैं और यहाँ पर गुजरात और पंजाब ये केवल दो ही टीमें जो कि आईपीएल 2024 के एडिशन की हैज ऑफ नाउ तैयारियों में लग चुके। आप कमेंट करके बताइए क्या पंजाब की टीम इस साल प्लेऑफ में आखिर क्वालिफाई होगी या फिर नहीं, या लंबा इंतजार आखिर खत्म होगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आते हो तो एशिया कप को लेकर। दरअसल एशिया कप हमें 2025 में दोबारा से देखने को मिलेगा और पिछले साल एशिया कप यहाँ पर वनडे फॉर्मेट हुआ था। 2025 में हमें T20 फॉर्मेट में एशिया कप देखने को मिलेगा, मोस्ट लाइकली जनवरी में शायद एशिया कप होगा। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल के बाद होगी वो भी हमें यहाँ पर T20 फॉर्मेट में शायद देखने को मिले। इस वजह से अब यहाँ पर अगले साल यहाँ पर एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ही T20 फॉर्मेट होंगे। एशिया कप या तो ओमान में या फिर UAE, इन दोनों में से एक कंट्री में होगी। ओमान या फिर UAE यहाँ पर एशिया कप को होस्ट करेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग T20 फॉर्मेट में आखिर एशिया कप कराने का सही फैसला है या फिर नहीं, या फिर 50 ओवर के फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट होना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती विराट कोहली की तरफ से। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विराट कोहली तीसरे टेस्ट मुकाबले से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और आज भारतीय टीम का बचे हुए यहाँ पर तीन मुकाबलों का टेस्ट स्क्वाड आएगा। तो शायद विराट कोहली, अगर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो विराट कोहली 90% तीसरे मुकाबले के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। 10% चांस है कि शायद तीसरा मुकाबला भी वो मिस करे, केवल चौथा पांचवा मुकाबला खेले। तो आज यहाँ पर ये कन्फर्म हो जाएगा विराट कोहली आखिर बचे हुए तीन में से कितने मुकाबले खेलेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली के बिना क्या भारतीय टीम, अगर विराट कोहली आखिर तीसरा मुकाबला भी नहीं खेलेंगे तो भारतीय टीम ये सीरीज आखिर जीत सकती है या फिर नहीं, या फिर भारत को विराट कोहली की जरूरत है। आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।